शूटिंग में किरदार निभा रहे युवक ने लगाया मानदेय न मिलने का आरोप। यह खबर यूपी की रायबरेली से है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में फिल्म क्षेत्र की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी तक के मूर्त रूप दे चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटे अभिनेताओं का शोषण फिल्मों में अभी भी बंद नहीं हो पा रहा है। शिवगढ़ में चल रहे भोजपुरी फिल्म की शूटिंग जानलेवू का में निरहुआ के चाचा किरदार निभा रहे युवक के साथ हुई घटना के रूप में देखने को मिला। मानदेय न मिलने से आहत कलाकार ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर न्याय की मांग की। भोजपुरी फिल्म जानलेवू का की शूटिंग चल रही थी, जिसमें मुख्य किरदार के रूप में दिनेश लाल यादव निरहुआ, अक्षरा सिंह व मनोज सिंह टाइगर शामिल थे। फिल्म में निरहुआ के चाचा किरदार स्थानीय निवासी दुर्गेश चौहान निभा रहे थे। शूटिंग पूरी भी हो गई, लेकिन कलाकार दुर्गेश को बिना मानदेय दिए सुपर शाइन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड इवेंट कंपनी गायब हो गई। पत्र मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कलाकार दुर्गेश को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। देखिए रायबरेली से राकेश कुमार की रिपोर्ट। चाचा का कैरेक्टर किया था, जो कि लगभग 12 दिन का काम था, और ये पूरी फिल्म यहाँ से कंप्लीट हो गई। इसका पैक यहाँ से पैकअप होकर चली गई मुंबई, और अब फिल्म की एडिटिंग भी शुरू हो गई है। लेकिन चूंकि इसमें मैंने मुख्य किरदार निभाया है और मेरा अब तक इस फिल्म में पैसा नहीं मिला है, और बात सिर्फ पैसे की होती तो कोई बात नहीं है सर, ना तो इस फिल्म में प्रोड्यूसर बार बार कहने के बाद भी प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने ना ही तो मेरा एग्रीमेंट किया है और ना ही मुझे कुछ भी एक भी रुपया इसमें पैसा दिया है, और अब उन्होंने मुझे फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है, मुझसे संपर्क नहीं कर रहे हैं और मुझे बराबर टहलाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। तो अब सर अगर मेरे अकेले का मामला होता तो कोई बात नहीं सर, लेकिन अब धीरे धीरे फिल्मों में ये आम बात हो गई है कि कलाकारों का पैसा मारा जा रहा है। ये एक बड़ा शोषण है, क्योंकि कुछ लोगों की दाल रोटी सिर्फ इसी से चलती है, अगर उनके साथ ये होगा सर तो हम लोग का घर कैसे चलेगा। और कितने लोगों का पैसा है? सर मेरी जानकारी में कुछ एक लोग थे, क्योंकि लास्ट दिन जब वो लोग बिना बताए सबसे अपनी यहाँ से यूनिट लेके निकल रहे थे तो काफ़ी लोगों ने घेराव किया था, उनमें से एक लड़का रोहित है, भवनीगढ़ का, जिसका मुझे मालूम है कि अभी पैसा उसका भी बकाया है। बाकी कई लोग हैं सर, लेकिन उनका नाम या नंबर मेरे पास नहीं है। तो मैं आपको सर एक चीज़ बता दूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रयास कर रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का, और वो प्रोत्साहन के लिए इन लोगों को 50% तक सब्सिडी मनी भी दे रहे हैं, ताकि वो लोग यूपी में आके शूट करें और यहाँ के कलाकारों को रोज़गार मिले और जो प्रतिभाशाली युवक हैं उनको मौका मिले। लेकिन सर अगर इस तरह कलाकारों का पैसा मरेगा तो ना फिल्म सिटी बनने का कोई मतलब रहेगा और ना ही उनको सब्सिडी देने का कोई मतलब रह जाएगा। आज आप कहाँ हैं? सर मैं इस वक्त रायबरेली पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने खड़ा हूँ, और मैं यहाँ पर अपनी शिकायत पत्र लेकर आया था इनको देने के लिए, और इन्होंने शिकायत पत्र ले लिया है और मुझे विश्वास दिलाया है कि जल्द ही इस पर उचित जांच करके और सही न्याय आपके साथ किया जाएगा।